दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल फॉरएवर में। तो दोस्तों कैसे सभी आप सभी अच्छे होंगे। तो अपडेट शुरू करने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों तो आज की हम जो अपडेट है वो है हमारे पास जल शक्ति विभाग से, और ये जो अपडेट है जल शक्ति विभाग जो डिवीजन है कसुम्पटी शिमला से है। दोस्तों क्या था, यहाँ पर भी पैरा पंप और पैरा फिल्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, बट इस पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों क्या हुआ है कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है, और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप करने की वो 3 सितंबर 2021 रखी गई है। टाइम है 5 बजे तक। तो जो कोई भी भाई बहन इस जल शक्ति विभाग में अप्लाई करना चाहता है तो वो कृपया करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जल शक्ति विभाग के जो ऑफिस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जल शक्ति विभाग डिवीजन 1 कसुम्पटी शिमला 9 में जाके अपना फॉर्म बाई हैंड भी सबमिट करवा सकता है, बाई स्पीड पोस्ट भी सबमिट करवा सकता है। दोस्तों इसके बाद हम जो आगे की अपडेट है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों जो आगे की हमारे पास अपडेट है वो है हमारे पास जो स्टाफ नर्स के 89 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों करते हैं इस अपडेट की शुरुआत। तो उन निदेशक चिकित्सा सेवाएं हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टाफ नर्स के 89 पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे, इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी उन्ना अनिता गौतम ने बताया कि इन पदों में सामान्य श्रेणी के में 35 पद जो कि जून 2011 बैच, सामान्य वर्ग की EWS श्रेणी में 8 पद दिसंबर 2011 बैच, एससी श्रेणी में 17 पद और मार्च 2011 बैच, SC BPL श्रेणी में 6 पद मई 2013 बैच, OBC श्रेणी में 15 पद मार्च 2011 बैच, OBC BPL श्रेणी में 3 पद मार्च 2011 बैच, OBC वर्ग की स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी में 1 पद अब तक का बैच, ST श्रेणी में 3 पद दिसंबर 2011 बैच, ST BPL श्रेणी में 1 पद मार्च 2012 तक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं के साथ GNM या नर्सिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। उन्होंने इच्छुक आवेदकों से अपील की है कि जिनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है वह अपने संबंधित रोजगार कार्यालय में 31 अगस्त से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि आवेदकों का नाम विभाग को भेजा जा सके। दोस्तों एक्चुअली ये 89 पद भरे जाने वाले जा रहे हैं। तो क्या है कि जो भी हमारे पास जो अपना निर्वाही रोजगार कार्यालय है वहाँ पर जाके आप अपना नाम सुनिश्चित करवाने की कृपा करें, जिनका नाम जिनका ये बैच आता है और जिनके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ताकि आपका नाम है कि जो आगे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले जो विभाग है उसको भेजे जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की नई नई जानकारी के लिए आप बने रहिए हिमाचल फॉरएवर के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे फेसबुक पे मैसेज कीजिए और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फेसबुक फाइल का और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।